वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी है हमारे पास महिंद्रा की मैक्सिमो पैसेंजर, और गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेन है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले करना क्या, गाड़ी का सेल्फ लगा के देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कैसी है। तो भैया मारो सेल्फ गाड़ी में, कभी स्टार्ट हो जाती है कभी स्टार्ट नहीं होती है। फिर वापस करके मारो, एक बार और मारो, बस। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब चाबी बंद करो गाड़ी की। चाबी बंद करने के बाद में सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो तीन रिले लगी हैं, एक ये एसीएम वाली मेन रिले, एसीएम वाली मेन रिले, और इसके ये मेन फ्यूज, और इसमें ये दो रिले लगी हैं। एक इसमें जो रिले होती है फ्यूल टैंक की, मोटर की रिले होती है। तो सबसे पहले चाबी ऑन करके देखते हैं ये रिले हमारी ऑन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले ईसीएम वाली रिले देखते हैं। तो ये चाबी ऑन करो। तो फ्रेंड्स, ये रिले बोल रही है, फिर से चाबी बंद करके चालू करो। ये दो रिले हैं, करो चाबी। तो ये आवाज आ रही है, चाबी बंद कर फिर खोलो। तो फ्रेंड्स, ये दो रिले एक्टिवेट हो रही हैं, एक इसमें फैन की रिले है और एक ये ईसीएम की रिले है। तो ये सप्लाई हमारी ओके है। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि हमारी जो टैंक की मोटर है, मोटर भी चल रही है। अगर ये रिले एक्टिवेट होंगी तो मोटर चलेगी, और एक्टिव नहीं होंगी तो मोटर नहीं चलेगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका क्रिंक सेंसर की वायरिंग और इंजेक्टर की वायरिंग और रेल प्रेशर की वायरिंग, इन सेंसरों की वायरिंग चेक करना है। तो चलते हैं गाड़ी के नीचे। तो फ्रेंड्स, नीचे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो क्रिंक सेंसर की वायरिंग है ओके है, ये वायरिंग ओके है। और स्टार्टिंग इशू में प्रॉब्लम जो आती है, ये रही डीआरवी, तो इसकी भी वायरिंग ओके है, ये भी वायरिंग ओके है। और अंदर की साइड इसका ये रेल प्रेशर सेंसर लगा है, तो फ्रेंड्स इसकी भी वायरिंग ओके है। आप देख सकते हो इसमें ये तीन वायरिंग दिख रही हैं, ये तीनों वायरिंग ओके है। तो ये सारा हमारा सिस्टम ओके है। तो अब चलते हैं इंजेक्टर के पास। तो फ्रेंड्स, इंजेक्टर की साइड इसमें आ चुके हैं, और ये रहा हमारी इंजेक्टर की सॉकेट एक नंबर, और ये रहा दो नंबर। तो दोनों की वायरिंग बाहर निकलवाते हैं। तो ये दो नंबर की सॉकेट बाहर आ चुकी है, और ये एक नंबर की सॉकेट, तो ये एक नंबर की सॉकेट है और ये दो नंबर की सॉकेट है। तो इसके जो वायर है, तो फ्रेंड्स ये दो नंबर सॉकेट रही, तो इसको तान के देख लिया, ये सॉकेट नहीं टूटी है। तो अब चेक करते हैं इसकी एक नंबर, तो ये वायरिंग नहीं टूट रही है। तो इसमें जो दिखाते हैं मेन जो प्रॉब्लम है, ये जो वाइट कलर का वायर है इसका, तो इसको जैसे ही खींचेंगे ये वायर बाहर में हाथ में आ जाएगा। ये अंदर सॉकेट लगी है, पूरी लगी है, इसको जैसे ही निकालेंगे तो ये वायर सही है। तो अब दूसरा वायर इसका देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हो आप, ये वायर इसका ब्रेक हो चुका है, ये वायर इसका ब्रेक हो चुका है, और इसी से स्टार्टिंग प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही है। तो इसकी सॉकेट चेंज करने वाले हैं, और दिखाते हैं अपनी प्रॉब्लम जो गाड़ी में आ रही थी उसको सॉल्व करके। और ये वायर कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो अंदर से वायरिंग जो इसकी रबड़ होती है, इसके अंदर से वायरिंग टूट जाती है, और वायरिंग जब पूरी वायरिंग पकड़ के खींचते हैं तो वायरिंग नहीं टूटती है, और सिंगल सिंगल वायरिंग हाथ में पकड़ते हैं तो वायरिंग टूट जाती है। तो ये कपलर हमारा खराब है, तो इस कपलर को नया डालते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंजेक्टर की सॉकेट थी एक नंबर की, वो चेंज कर दिए, और ये रहा हमारा दूसरे नंबर सिलेंडर का सॉकेट। तो दोनों को लगाते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर लगाते हैं। दो नंबर लग चुका है, और ये रहा एक नंबर। तो ये एक नंबर ही हमारा फिक्स हो चुका है,
तो अब गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं। करो भैया स्टार्ट गाड़ी को। स्टार्ट तो फ्रेंड गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक्सीलेटर लिफ्ट तो फ्रेंड एक्सीलेटर गाड़ी अभी थोड़ा कम ले रही है, बंद करके फिर से स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट करो। तो ये गाड़ी फ्रेंड हमारी स्टार्ट होने लगी है, तो आप दिखाते गाड़ी में पिकअप कैसा है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड इसका जो एक्सीलेटर है गाड़ी का ये रहा, और चाबी जैसी बंद करके खोलेंगे एक्सीलेटर बढ़ने चाहिए, तो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, फर्क नहीं आ रहा। तो ये रहा पूरा एक्सीलेटर, ये पूरा एक्सीलेटर रहा, और उसके बाद चाबी ऑन करके ऑन करेंगे तो एक्सीलेटर अप डाउन करने चाहिए, तो ये फर्क नहीं आ रहा है। तो मैन फॉल्ट जो है वो दिखाते हैं, मैन फॉल्ट कहाँ पे, तो गाड़ी को बंद करते हैं, और बंद करने के बाद में चाबी ऑन करते हैं। और फ्रेंड्स में आप देख सकते हो ये टेम्परेचर की जो सुई है, ये कांटा अभी हाफ के थोड़ा नीचे है, तो गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये कांटा नीचे चला गया। अब जैसे ही एक्सीलेटर लेंगे कांटा ये ऊपर जाएगा, तो ये कांटा ऊपर जा रहा है टेम्परेचर का, ये कांटा ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर कांटा ऊपर जाएगा तो गाड़ी रेस लेने के बाद में गाड़ी की चाबी ऑन ऑफ करते हैं, तो एक्सीलेटर जो गाड़ी का नहीं बढ़ेगा। तो एक्सीलेटर नहीं बढ़ रहा, तो उसको भी दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी बंद हो चुकी है, महिंद्रा मैक्सिमो। तो जो इसमें प्रॉब्लम है, इसका ये कूलेंट टेम्परेचर का जो सॉकेट है इसको भी चेंज करने वाले हैं, इसको भी चेंज करेंगे कूलेंट टेम्परेचर की सॉकेट को। तो फ्रेंड्स ये सॉकेट बाहर आ चुकी है, तो इस सॉकेट को भी चेंज करने वाले हैं, उसके बाद में दिखाते हैं जो टेम्परेचर की सुई एक्सीलेटर लेने पे ऊपर बढ़ रही है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो सॉकेट को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सॉकेट चेंज हो चुकी है इसकी कूलेंट टेम्परेचर की, और इसमें ये सॉकेट लगा दिए, तो इसको फिक्स करते हैं। तो सॉकेट चेंज हो चुकी है और गाड़ी के अंदर आ चुका है, चाबी ऑन करते हैं। तो ये टेम्परेचर की सुई है अभी नहीं उठी, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो अब सुई उठी है, और पहले सुई जाती ऊपर फल तक जा रही थी, हाफ तक सुई जा रही थी, अब हाफ पे नहीं जा रही है सुई। तो चाबी बंद करके खोलते हैं, तो जो पिकअप गाड़ी नहीं था वो पिकअप भी आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।